हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिप टॉप स्टिचिंग चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, उस वीडियो में आज हम बनाना सीखेंगे एक पेटीकोट। उसकी कटिंग किस प्रकार से की जाती है और उसकी स्टिचिंग किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए जो हमें फैब्रिक चाहिए होता है, वो नॉर्मल 2 से 2.25 मीटर के अंदर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा फैब्रिक है, ये हमारा पूरा 2.25 मीटर है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पेटीकोट का मेजरमेंट है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 35 इंच है, और उसमें हम +1 ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम पेटीकोट को वॉश करते हैं तो वो 1 इंच तक श्रिंक होता है। तो हम इसकी जो टोटल लंबाई है वो 36 इंच तैयार रखेंगे। और जो हमारी कमर है वो हमारी है 32 इंच की, और इसमें हम +2 ऐड करेंगे तो इसकी हम जो टोटल कमर रखेंगे वो 34 इंच। तो चलिए दोस्तों, हम इसका मेज़रमेंट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा फैब्रिक था, इसको हमने इस तरीके से बिछा लिया है। ये देखिए, ये हमारा पैक साइड है और ये हमारा ओपन साइड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। दोस्तों, जो हमारा पेटीकोट होता है उसमें जो कलियाँ होती हैं वो दिखने में तो नॉर्मल 6 कलियाँ होती हैं, बट क्या होता है, जो हमारा ये पैक साइड होता है तो इसमें जो हमारी ये 2 कलियाँ होती है वो पैक होती है, इसलिए ये 2 कलियाँ 1 कलिया लगती है। तो हमारी जो टोटल कलियाँ होती है पेटीकोट की, नॉर्मल 8 होती हैं। तो हमारी जो ये कमर है, हम उसमें सबसे पहले 8 का भाग दे देंगे, तो हमारी 1 कली का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर निकल आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 34 इंच की कमर रखनी है, तो मैं 34 इंच में 8 कलियों का भाग दूंगी, तो ये हमारा 4.25 का मेज़रमेंट निकल आएगा। ये जो हमारी 1 कली होगी वो 4.25 इंच की होगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर 4.25 इंच का निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद में मैं जस्ट 0.5 इंच जो हम स्टिच करते हैं, जहाँ पर हम ये कलियाँ जोड़ते हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा दबाव चाहिए होता है, तो हम ये 0.5 इंच का दबाव एक्स्ट्रा रखते हुए मार्किंग कर लेंगे, और फिर 0.5 इंच जो हमारी कलियाँ हैं उनको स्टिच करने के लिए 0.5 इंच दबाव में एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब हम टोटल 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए जो हमारी टोटल लंबाई है उसे हम लगा लेंगे। ये देखिए, हम जो टोटल लंबाई रखने वाले हैं वो 36 इंच की रखने वाले हैं। ये हमने 36 इंच पर मार्किंग कर लिया, और हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, जो कि हम नीचे फोल्डिंग करेंगे उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर टोटल लेंथ लगा ली और मार्जिन का लगा लिया है निशान। अब क्या करना है, जो हमारे नीचे के घेर की बात है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पेटीकोट में जो नॉर्मल घेर होता है वो कम से कम 2 मीटर के समथिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो कलियाँ हैं, अब 2 मीटर का मतलब ये हो गया कि जब हमारा 1 मीटर के अंदर 39.5 इंचेस होता है, तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर का 40 × 80 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो 80 में हम ये जो हमारी कलियां हैं 8 हैं, 8 कलियों का भाग देंगे तो 1 कली का मेज़रमेंट निकलेगा, वो होगा 10 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच लगाएंगे इस तरीके से, और 0.5 इंच हम दबाव का लगाएंगे। और अब हम इसको इस तरीके से इस निशान को इस निशान से हम इस प्रकार से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो मार्किंग की थी, ये हमने देखो बिल्कुल इक्वल कर ली है, निशान से निशान हमने मिला लिए हैं, और इसी निशान के ऊपर, इसी जो मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, ये हमारी कलियाँ निकल आई हैं। अब क्या करना है, इसमें से 1 कली को उठाना है और इसके ऊपर जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है इसको एडजस्ट करते हुए ये कली इसके ऊपर अरेंज कर लेनी है इस तरीके से। दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे तो हमें फिक्स कटिंग ना करते हुए हमें 0.5 इंच का दबाव छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। या तो आप चाहें इसको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी स्क्रैप है आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है, और सेम कटिंग में इसकी बिल्कुल इक्वल इसी के बराबर इसकी कटिंग कर दूंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पेटीकोट की कटिंग हो गई है। जो हमारी कलियाँ थी उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब क्या करना है, जो हमारा ये हमने 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखा है, यहाँ पर हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ कुटका लगा लेंगे। जब भी हम इसको फोल्ड करेंगे इस दबाव को, तो इस कुटके को ध्यान में रखते हुए हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। चलिए अब हम नेफे की कटिंग कर लेते हैं। तो नेफा तैयार रखने वाले हैं वो हम 2 इंच का तैयार रखने वाले हैं। तो ये देखिए, जो नेफे को हमने अगर जैसे 2 इंच तैयार रखेंगे तो उसका हम डबल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंच। 4 इंच में प्लस हम 1 ऐड करेंगे जो कि हमारा दबाव का होगा, तो हमें टोटल जो लेंथ होगी, हमारी जो चौड़ाई होगी नेफे की, वो 5 इंच की होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर 5 इंच आ रहा है और ये हमारा 5 इंच आ रहा है। और एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है उसको आप कटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। अब जो हम नेफे की जो हम गोलाई रखने वाले हैं, जो नेफे जो हमारा तैयार नेफा है वो हमारा 34 इंच का है, तो हमें 34 इंच में प्लस 1 ऐड करना है। जो 1 ऐड करेंगे हम, वो हमारा दबाव का होगा, तो हमें टोटल 35 इंच का नेफा की जो कटिंग है वो हमें रखनी है। तो ये देखिए, हमारा जो टोटल नेफे की जो लंबाई आ रही है, ये देखिए 35 इंच आ रही है। तो हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना और कुछ भी एक्सेस कुछ नहीं करना है। कभी कभी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपका नेफा कम पड़ जाता है, तो आप उसमें बैक साइड में थोड़ा सा जॉइंट लगाकर नेफे की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा नेफा ऑलरेडी तैयार है, कटिंग ऑलरेडी है। जो हमारा ये बचा हुआ है इसे हम ज़रूर निकाल देंगे। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करके, ये एक्सेस चीज़ है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, इसको हम कटिंग के थ्रू निकाल देंगे। दोस्तों ये देखिए, जो हमारा नेफा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। इस प्रकार से दोस्तों, जो हमारा ये पेटीकोट का जो कटिंग का प्रोसीजर था, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। दोस्तों अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए क्या करना है, हम सबसे पहले एक कली उठाएंगे, जो हमारी ये जॉइंट वाली है, ये हम कली उठाएंगे। और जो हमारी ये एक्स्ट्रा 4 कलियाँ हैं ये कटी हुई, इसमें से हम एक कली उठाएंगे। इस तरीके से देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हमारा ये स्ट्रेट भाग है ये हमारा सुरेब है, और जो हमारा ये थोड़ा तिरछा भाग है ये हमारा उरेब है। तो जब हम ये कली को इसके साथ में अटैच करेंगे, तो एक उरेब भाग होना चाहिए एक कली का, और दूसरी कली का सुरेब भाग होना चाहिए। ये जो हमारी कली है इसमें ये उरेब भाग है और इस कली का सुरेब भाग है। तो इस दोनों को इस तरीके से पकड़ के हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने जो कली हैं ये स्टिच कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, जो बाकी की अदर्स कलियां हैं ठीक इसी प्रकार से हमें स्टिच करनी है। तो हम बाकी की कलियां इसी प्रकार से स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारी कलियों को स्टिच करके जोड़ लिया है। जो हमारा एक साइड है वो हमने अभी स्टिच नहीं किया है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे इस प्रकार से पकड़ के हम इसको 4 इंच का मेज़रमेंट करते हैं, यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पर निशान लगा के हम इस तरीके से इसको हल्का सा कट करेंगे। इतना हम कट करेंगे, यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर कट का निशान लगा लिया है। अब इसको हम इस तरीके से सुलटा कर लेंगे, इस तरीके से। अब क्या करना है, जो हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे, तो हमारा जो उल्टा भाग है, जो हमारा लेफ्ट साइड है उस पर हम आई की पट्टी लगाएंगे, और जो हमारा राइट साइड है उस पर हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आई की पट्टी लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पर मेरा स्क्रैप नहीं बचा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मैच करते हुए ये थोड़ा सा एक्सेस जो कपड़ा है वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ।
इस तरीके से आप रखेंगे। और जो हमने ये कट जहाँ तक लगाया था बिल्कुल वहीं से आपको ये स्टिच करना है इस तरीके से। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको जो आई की पट्टी है वो पूरी स्टिच नहीं करनी है, यहाँ से आपको आधा इंच अंदर की तरफ से छोड़ते हुए इतना दबाव हमें छोड़ना है आधा इंच। और जो हमारी ये वाली पट्टी है इसका हमें एक्सेस मार्जिन काट लेना है इस तरीके से, और इसे अंदर की तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और हमें इसको इस तरीके से स्टिच करना है। अब क्या करना है, जो हमारी ये पट्टी है ठीक है, ये आपको अगर ज़्यादा बड़ी लग रही है, आपसे ज़्यादा बड़ी कट गई है, तो आप उसे थोड़ा सा हटा सकते हैं, काट सकते हैं और छोटी कर सकते हैं। अब इसको इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए इसको इसके ऊपर हमें कॉर्नर की सिलाई करनी है इस तरीके से फोल्ड करते हुए। यहाँ पर हमें बिल्कुल नोक की सिलाई करनी है। ये देखिए, ये हमने जो आई की पट्टी है वो स्टिच कर ली है। अब हमें हुक वाली पट्टी है उसे स्टिच करनी है। दोस्तों जो हुक वाली पट्टी होगी वो अंदर की तरफ चिपवा होगी। तो अब ये देखिए, ये हमने इस तरीके से अपना फैब्रिक रखा है और इसको इस तरीके से, ये हमारा जो कट था इसको हमने इस तरीके से अरेंज किया है और इसको इस तरीके से हम इसे स्टिच कर लेंगे। हमें इसको पूरा स्टिच करना है यहाँ तक। अब हमें इसे इस तरीके से स्टिच करना है। जो बाकी का एक्सेस कपड़ा है वो हम कटिंग के थ्रू निकाल देंगे। आप इसे इस प्रकार से अरेंज कर लीजिए। और यहाँ पर हमें कॉर्नर की सिलाई लगानी है बिल्कुल। अब जो हमारा ये एक्सेस कपड़ा है इसे हम कटिंग कर लेंगे। अब क्या करना है, जो हमारी ये चीज़ है, ये वाली चीज़, हमें इसे इस प्रकार से पकड़ते हुए स्टिच करनी है। ये देखिए, ये हम यहाँ से इसे पकड़ लेंगे दोनों पार्ट को और हम इसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें इसे अब क्या करना है, यहाँ तक हमने स्टिच कर लिया है। जो हमारी ये चीज़ है हमें दोनों को इस प्रकार से रखना है और यहाँ पर हमें कॉर्नर पे जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ तक हमें इसकी स्टिचिंग करते हुए पक्का करना है। ये देखिए, ये हम यहाँ तक इसे ले आए अपनी स्टिचिंग को और यहाँ पर हमें इसे पक्का करना है इस तरीके से। अब क्या करना है, जो हमारी ये पट्टी है इसे हमें फाइनल इस तरीके से पकड़ना है। और इसे इस प्रकार से रखते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। हम इसकी जो स्टिचिंग है यहाँ तक लेके आएंगे पहले, जो हमने ये कट यहाँ पर लगाया था
यहाँ तक हम इसके बिल्कुल फ्रंट तक लेके आएंगे इस तरीके से। अब हम इसको उठाकर बूट को इस तरीके से अरेंज करेंगे और जो हमारा ये वाला कपड़ा है जो हमने आई की ये बनाई थी, जो हमारा नीचे एक्सेस कपड़ा है उसको इसके नीचे हमें अरेंज कर लेना है और इसके ऊपर हमें पक्का कर लेना है। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारी जो हुकाई की पट्टी है वो भी तैयार हो गई है और जो हमारा ये यहाँ पर जो हमें स्टिच करना था फाइनल वो भी तैयार कर लिया है। अब हम इसका बेल्ट लगा लेंगे और जो हमारा ये एक्सेस कपड़ा है इसे हम हटा देंगे। अब चलिए हम इसका बेल्ट लगा लेते हैं। बेल्ट लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ये पीस है हमें बिल्कुल इस तरीके से इसको पकड़ना है इस तरीके से और इसको इस तरीके से हमें स्टिचिंग मिलाते हुए इसका सेंटर कुटका लगा लेना है। ये हमने यहाँ पर इसका सेंटर कुटका लगा लिया है और जो हमारा ये बेल्ट है ठीक है, इस पर हम आधा जो इंच है हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था इसको आधा इंच को हम इस तरीके से एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसका भी हम सेंटर लगा लेंगे इस तरीके से ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से नीचे रखेंगे और जो हमारा ये वाला पीस है इसको हम इस तरीके से रखेंगे, जो हमारा बेल्ट है वो उल्टे से सुलटे की तरफ फोल्ड होगा तो हम इसे इस तरीके से आधा इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए, ये कपड़ा हमने निकाल दिया है दबाव का और इसको हम स्टिच करेंगे। और जो हमारा ये कुटका लगा हुआ है इस कुटके को इस कुटके से मिलाएंगे और बाकी का जो हमने ये यहाँ पर जो डार्ट का जो हमने थोड़ा सा निशान लगाया था जब हमने कटिंग की थी हमारी कलियों में, हमने थोड़ा थोड़ा डार्ट का हमने मार्जिन छोड़ा था तो वो मार्जिन हम इन कलियों के ऊपर डालेंगे इस तरीके से और हम इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमने जो आधा इंच मार्जिन आगे छोड़ा था उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमें इसको पक्का कर लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए, हमने दोनों तरफ से इसे पक्का कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और जो हमने यहाँ पर मार्जिन छोड़ा था दबाव का उतना ही दबाव हमें अंदर फोल्ड करते हुए इसकी हमें यहाँ पर बिल्कुल नोक की सिलाई रखनी है। दोस्तों, जो हमारा ये नेफा है वो हमें फिक्स देख लेना है कि हमारा जो नेफा है वो 2 इंच का ही तैयार होना चाहिए। इसे आप इस तरीके से नाप लीजिए, आपका जो नेफा है वो 2 इंच ही तैयार होना चाहिए क्योंकि हमने जो नेफा तैयार रखना है वो 2 इंच का ही रखना है। तो बाकी का जो दबाव है वो आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। हमें इसी प्रकार से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, जो हमारा ये बेल्ट था ये हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसके नीचे की फोल्डिंग कर लेते हैं। नीचे की फोल्डिंग ये देखिए, हमने जो यहाँ पर कुटका लगाया था हमें इतना ही इतना फोल्ड करना है। ये देखिए, हमने इसको यहाँ से इस प्रकार से पकड़ लिया है और इसको इतना फोल्ड करना है हमें। ये देखिए इस तरीके से, हमारा जो दबाव है वो हमारा इक्वल होना चाहिए।
इसी तरीके से हम इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमारे नीचे की फोल्डिंग थी वो हमने स्टिच कर ली है और ये हमारा जो पेटीकोट है वो स्टिच होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छे से समझ में आई हो। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूल। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए। तो फिर से दोस्तों आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।